चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा गुरुवार को गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के धोरीमना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नवक्रमोन्नत उप जिला अस्पताल का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। करीब 41 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण होगा। इसी के साथ ही भदराई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद गरीबों के मसीहा और धोरीमना के पूर्व प्रधान स्वर्गीय मंगलाराम बिश्नोई की मूर्ति का अनावरण और मंगलम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उसके बाद धोरीमना में आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यह हॉस्पिटल आम जन के लिए फायदेमंद साबित होगा। चिकित्सा क्षेत्र में यह बड़ी उपलब्धि है। इस अस्पताल में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिल पाएगी और इलाज के लिए ग्रामीणों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने पूर्व प्रधान स्वर्गीय मंगलाराम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका एक सपना था, उस सपने को लेकर परिवार के सदस्य आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कल्पना के अनुरूप ही हॉस्पिटल का संचालन हो और जनता की सेवा हो, यही अपेक्षा रखते हैं। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने क्षेत्रवासियों को सरकारी योजनाओं के साथ साथ चिरंजीव योजना से जुड़ने का आह्वान किया। फंक्शन में उपस्थित हुआ हूँ, जो जिनकी प्रकृति लंबी, जिनकी सेवा लंबी रही हो समाज के लिए, पूरे इलाके के लिए, मैं उनको नमन करता हूँ, पूरे परिवार को नमन करता हूँ। और जो मंगलाराम की भावनाएं थी आम आदमी की सेवा करना, इसी सेवा के लिए उन्होंने अपने हाथों से मंगला हॉस्पिटल का शुरुआत की थी। दुखद ये कि वो इस अवसर पर हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी उनके जो काम है, उनकी जो कार्यशैली थी, उनके घर से कोई भूखा नहीं करता, ये सबसे बड़ी सेवा है। वो अतिथि देवो भव के परिवार ने उनके कामों को आगे बढ़ाया। इस हॉस्पिटल को आज मूर्त रूप देकर उनकी मूर्ति का भी नाम करवाया और हॉस्पिटल की भी डॉक्टर निरंजन ने शुरुआत की। मैं परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मंगलाराम जी के पसीनों पर चलकर जनता की सेवा का जो संकल्प लिया है, वो निश्चित रूप से इस पर आपको संकल्प करें। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद, प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई, सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल, विश्नोई महासभा अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया, साचौर पूर्व विधायक हीरालाल विश्नोई सहित बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की।